आज हम हमारे एक कुथामन शहर में कर्मचारी लगे हुए हैं शिक्षा विभाग में, वो इतने डर्मोलाइज हो चुके हैं, सुसाइड मोड पे ऊपर हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, मैं अनुसूचित जाति मोर्चा से जिला महामंत्री खेताराम सिसोदिया। ये इतनी जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी उसके जो बोबड़ बिल्ले अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी भी मतलब इतनी हठधर्मिता रखी है कि आते हैं कर्मचारी सीधा कैलकुलेटर हिलाते हैं कि कितना परसेंट बनता है, बाकी भजनलाल सरकार के अंदर ये परसेंटेज हम पूरा सत्यानाश करके रख देंगे और ये जो बबड़ बिल्ले बैठे हैं उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। टीचर का राम कुमार बिश्नोई जो परेशान है, अगर यहां अगर पूरी मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? हमारी मांग पूरी नहीं होती है, अभी हमारे उपचुनाव चल रहे हैं, आज का हमारा धरना था, लेकिन उपचुनाव और हमारे मंत्री जी ने कहा कि आप ज्ञापन देके आइए, फिर अगली मुलाकात हमारी शिक्षा मंत्री जिससे होगी और वापस राजस्थान सरकार उसके ऊपर उग्र आंदोलन किया जाएगा और वापस जरूरत पड़ी तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ धरना देंगे। पूरी बात यह है कि एक कर्मचारी है जो कुचावन सीबीओ के अंडर में कार्य कर रहा है, 2008 के अंदर वो थर्ड ग्रेड में लगा था, 2011 से 13 के अंदर उसने अपना संतोषपूर्ण कार्य कर दिया, उसके बावजूद ये अधिकारी और यहाँ के बाबू मिलके उसको कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम आए। जी कहाँ के हैं रहने वाले, क्या नाम है कर्मचारी का? कर्मचारी रहने वाले तो मेड़ता के, लेकिन हमारे कुचावन सीबीओ अंडर में आते हैं और मैं नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी कुचावन नगर परिषद का हूँ। हमारे कुचामन शहर में कर्मचारी लगे हुए हैं शिक्षा विभाग में, वो इतने डर्मोलाइज हो चुके हैं, सुसाइड मोड पे ऊपर हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, मैं अनुसूचित जाति मोर्चा से जिला महामंत्री खेताराम सिसोदिया। ये इतनी जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी उसके जो बोबड़ बिल्ले अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी भी मतलब इतनी हठधर्मिता रखी है कि आते हैं कर्मचारी सीधा कैलकुलेटर हिलाते हैं कि कितना परसेंट बनता है, बाकी भजनलाल सरकार के अंदर ये परसेंटेज हम पूरा सत्यानाश करके रख देंगे और ये जो बबड़ बिल्ले बैठे हैं उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। जी। ये कौन है, टीचर का नाम क्या है? टीचर का राम कुमार बिश्नोई जो परेशान है। जी अगर यहाँ अगर पूरी मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? हमारी मांग पूरी नहीं होती है, अभी हमारे उपचुनाव चल रहे हैं, आज का हमारा धरना था, लेकिन उपचुनाव और हमारे मंत्री जी ने कहा कि आप ज्ञापन देके आइए, फिर अगली मुलाकात हमारी शिक्षा मंत्री जिससे होगी और वापस राजस्थान सरकार उसके ऊपर उग्र आंदोलन किया जाएगा और वापस जरूरत पड़ी तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ धरना देंगे।